नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव में देरी हुई थी, वहीं चुनाव में देरी के बाद चुनाव संपन्न तो हुए, साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों का चयन भी हुआ, लेकिन अफसोस कुछ पंचायत प्रतिनिधियों के लिए ये जीत ही उनकी मौत का कारण बन गई, जिसके बाद कई सारे पंचायत प्रतिनिधियों की जान जाने की खबरें लगातार मीडिया में आती रही और सरकार के सामने इन पंचायत प्रतिनिधियों को बचाना एक चुनौती बन गई, जिसके बाद ही अब बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए शस्त्र का लाइसेंस देने की कार्रवाई विशेष शिविर लगाकर करने का ऐलान किया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है, साथ ही बताया है कि सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को अग्नियास्त्र यानी कि अस्त्र और शस्त्र का लाइसेंस निर्गत करने के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से समर्पित आवेदन के अंतर्गत शिविर लगाकर लाइसेंस निर्गत करने का निर्देश भी दिया गया है। इसको लेकर गृह विभाग की अनुमति के बाद ही अब सभी जिले के जिलाधिकारी को विशेष शिविर लगाने का निर्देश तलब हुआ है। मंत्री जी की माने तो बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों की तरफ से शस्त्र के लाइसेंस के लिए आवेदन आ रहे हैं। प्रतिनिधियों के ऊपर हाल के दिनों में हुए हमलों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। पंचायती राज विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सिंह की माने तो सभी डीएम को पत्र जारी कर दिया गया है, ऐसा उन्होंने गृह विभाग की तरफ से मिली सहमति के आधार पर ही किया है। दिसंबर 2021 में चुनाव के बाद से पिछले 5 महीनों में 1 दर्जन से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों की जान ली जा चुकी है। जानकार यही मान रहे हैं कि इन पंचायत प्रतिनिधियों की जान राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण ली गई है, जिसमें 5 मुखिया और 1 वार्ड सदस्य शामिल थे। बिहार में स्थापित ग्रामीण निकायों के अब लगभग 2.53 लाख निर्वाचित पदाधिकारी है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गंभीर अपराधों के आरोपित विशेष शिविरों में बंदूक लाइसेंस के लिए योग्य नहीं होंगे। अधिकारियों की माने तो डीएम को पंचायती राज संस्थानों को लाइसेंस जारी करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल भी करना होगा, यानी कि अब अगर पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर कोई संगीन आरोप है तो फिर उन्हें ये नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जिन पंचायत प्रतिनिधियों को शस्त्र दिए जाते हैं तो कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर ले, इस बात को भी अब सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही पिछले लंबे समय से जो पंचायत प्रतिनिधियों पर निशाना साधा जा रहा है उससे भी अब कम करने की में मदद मिलेगी, क्योंकि फिलहाल पंचायत प्रतिनिधि आरोपियों के सामने निहत्थे हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही अपने शस्त्र उठा सकेंगे, जिसके बाद उम्मीद है कि पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगेगा, क्योंकि बेहद जरूरी है कि जिन पंचायत प्रतिनिधियों को चुना गया है पंचायतों की सेवा के लिए वो सही सलामत रहे और वो पंचायत की सेवा कर सके। सरकार इनकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से सजग है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।